अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबर टेक्निकल उर्दू की जानिब से आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर लातदाद फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक डबल यूज़ कर सकते दो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करने हो तीन चार जितने आपकी मर्ज़ी हो आप जितने आपने यूज़ करने हो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके पास एक एप्लीकेशन लाया हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है ऐप क्लोनर, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इसे ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा और इसके बाद फिनिश। तो ये भी कुछ टाइम लेगा और ये देखें ये ओपन हो चुका है। आप जिस ऐप को क्लोन करना चाहते हैं उसे ओपन करें। तो चलिए मैं किसी चीज़ को क्लोन कर लेता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप को क्लोन करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये व्हाट्सएप रहा, इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्लोन नंबर पर क्लिक करूँगा। आप प्लस पर क्लिक करेंगे, आप जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं उतने प्लस करते जाएं, ये उतने ज़्यादा बनते जाएंगे। अगर आप पुराने ऐप को डिलीट करना चाहते हैं ओरिजिनल ऐप को, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। और इसके अलावा आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने दूँगा। अब इसका कलर चेंज कर दें, मैं थोड़ा सा कलर इसका डार्क कर दूँगा। ये देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। उसके अलावा आप इसका चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसे भी नहीं चेंज करता। उसके बाद रोटेट कर सकते हैं आइकन, कुछ जगह कोई और आइकन नया आइकन लगा सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सेटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेटिंग आप वो कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी आप जो करना चाहें। तो चलिए मैं इसे क्लोन करता हूँ। तो इसके बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और ओके। तो मैं इसे ओके करूँगा। तो ये देखें ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, एक दो मिनट में हो जाएगा। मैं तो चलिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो चलिए देख सकते हैं ये तकरीबन होने ही वाला है 92% 3, और ये अभी होने वाला है। तो ये देखें ये बस अभी यहाँ पर हो ही जाएगा और ये देखिए हो चुका है। बस अभी ये हमसे पूछेगा कि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं कि बाद में इंस्टॉल करना है। तो ये देख सकते हैं कि क्लोन हो चुका है। अब मुझसे पूछा है कि मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसे आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके मोबाइल की मेमोरी में सेव हो जाएगा, इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसे इंस्टॉल कर देंगे तो वो ऐप इधर शो होगा क्लोन ऐप में। तो ये देख सकते हैं ये क्लोन एपीके और ये एक आ चुका है। अभी मैंने एक व्हाट्सएप बनाया तो एक आ चुका है, अगर मैं दो बनाऊंगा तो दो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर जिसे भी आप क्लोन करना चाहें तो ईज़िली क्लोन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलें और शेयर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।